जय हिंद दोस्तों। जंतर मंतर पर भारी संख्या में आज 23 जुलाई को कई संगठन इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, उधर की बातें सुनवाएंगे और क्या है लेटेस्ट अपडेट वहां का देखेंगे। बता दें जंतर मंतर पर हमारी मांगों के संबंधित, ओआरओपी संबंधित, एमएसपी से संबंधित कई तरह की विसंगतियां पैदा हुई हैं, उसके विरोध में सभी पूर्व सैनिक इकट्ठा हुए हैं और अब इसके बाद संसद भवन का घेराव किया जाएगा। पहले तो मैं दिखाता हूं क्या जो संगठन है वहां मैनेजमेंट है वो क्या कह रहा है, उनकी बात सुनाते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन कराएं और ये जो पर्चियां वक्ता आ रहे हैं प्लीज यहाँ मंच पे लाके ना दें, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहाँ से पर्चियां बनवाएं और वो मंच आए मेरे पास, मुझे मजबूर ना करें, प्लीज शर्मिंदा ना करें। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहां से जाके लिखवाएं, क्योंकि वो भी अपना डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। एक टीम बैठी हुई है आपके लिए और जो जहाँ है जगह मिलती है प्लीज बैठ जाए, सभी बैठ जाए। अगले वक्ता मैं अनुरोध करता हूँ कैप्टन जनरल सिंह साहब, सूर्यदर चरण सिंह, कीर्ति चक्कर, 250 आदमी के साथ आए फूट से, उनके लिए बहुत बहुत तालियां भाई, 250 आदमियों के साथ आए उनके लिए बहुत बहुत तालियां। अगले वक्ता हैं सूबेदार मेजर खड़क सिंह, सूबेदार मेजर खड़क सिंह गौरव सेनानी, आवाज सुने तो प्लीज आए। दूसरा भाजपा की टीम आ रही है, सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह साहब टीम को लेकर आए भाई, एक बार तालियां बजाएं, स्वागत करें भाई। ये वो टीम है जो 50% खाना खिला रही है पूर्व सैनिकों को जंतर मंतर पर एक दिन के बाद देखे, और थोड़ा खाना भी इसी टीम ने किया है, इनका स्पेशल स्वागत मंत्र है, तालियां बजाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। खड़क सिंह साहब, खड़क सिंह साहब प्लीज। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता। मैं सूबेदार मेजर ऑर्मी कैप्टन खड़क सिंह, पूर्व एडीसी राष्ट्रपति भारत के देहरादून, पूर्व अंतर्याम शिविर पचवादून से उपाध्यक्ष के तौर पर अपने 120 सैनिकों के साथ आज इस जंतर मंतर के प्रांगण में उपस्थित सभी पूर्व सैनिकों का बहुत से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और साथ ही जो हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने जो हमारा बंदोबस्त किया है, जो ये मुहिम चल रही है, मैं इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्हें इस मुहिम को यहाँ तक लाए हैं।